यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी सम्मानित बंधुओं और साथियों, मित्रों, आज जो ऑक्सीजन ऑडिट पैनल की जीरो रिपोर्ट 24 जून को उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुई, उसने दिल्ली सरकार के जो विज्ञापन मंत्री हैं, घोषणा मंत्री हैं, उनकी झूठ को दिल्ली की जनता के सामने बिल्कुल लाकर खड़ा कर दिया है। जैसा कि हम लोग आपके बीच बार बार बताते रहे हैं कि ये विज्ञापन मंत्री हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज उच्चतम न्यायालय के सामने भी 400% झूठ का चेहरा, एक काला चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार केंद्र सरकार अक्टूबर 2020 से दिल्ली सरकार को लगातार पत्र लिखता रहा कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर दूसरी लहर आ सकती है, उसके लिए हमें उच्च सभी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। 5 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने पत्र लिखा कि पीएम केयर फंड के द्वारा आपको 8 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली सरकार को मंजूरी दी है, उसके लगाने की व्यवस्था करिए। 19 अप्रैल को, जबकि ये दूसरी लहर करीब करीब 18-20 अप्रैल से शुरू हो गई थी और इसका जो बिल्कुल चरम था वो 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में था, 19 अप्रैल को दिल्ली के मालिक टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। और 20 अप्रैल को जब दिल्ली के अंदर लगातार कोरोना के केस बढ़ने लगे, 90,000 से भी पार हो गए, और जब अफरा तफरी का माहौल हुआ, दिल्ली सरकार ने तैयारियों के लिए कुछ नहीं किया था, तो उनको लगा कि अपनी नाकामी का जो ठीकरा है वो हम केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं। उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके जो पॉइंटमैन राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, इन सब ने मिलकर एक साजिश रची कि किसी तरह से ये जो दूसरी लहर की जो नाकामी का ठीकरा है हम लोग केंद्र सरकार पे फोड़ते हैं और ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाते हैं कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। और ये आज जो ठीकरा है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया कि दिल्ली के अंदर जब 209 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी तो ये 1140 मीट्रिक टन मांग रहे थे। एक तरफ दिल्ली में ऑक्सीजन सरप्लस थी और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोग मर रहे थे। 25 अप्रैल को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने एक आइनेक्स कंपनी, उसको एक पत्र लिखा जो कि दिल्ली के 45 बड़े हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन की सप्लाई करती थी कि आप 45 की बजाय 17 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, यानी कि जो 28 हॉस्पिटल है बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनको ऑक्सीजन देने के लिए मना कर दिया गया। आइनॉक्स ने उनसे कहा कि हम इनको वर्षों से दे रहे हैं, हम इनको कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये साजिश रची गई कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी को लेकर मृत्यु हो। और आपको जानकर हैरानी होगी, हम सब लोगों ने देखा कितना दुख का माहौल था कि गंगाराम के अंदर 25 लोगों की मृत्यु हुई, बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोगों की मृत्यु हुई, जयपुर गोल्डन में 20 लोगों की मृत्यु हुई। हमने देखा कि जो बत्रा हॉस्पिटल के सीईओ थे डॉक्टर एसील गुप्ता, उनको टीवी पर रोते हुए देखा, उन्होंने गुहार लगाई कि हमने दिल्ली प्रशासन को समय रहते हुए ऑक्सीजन की डिमांड की और बार बार कहा, लेकिन उसके बावजूद ऑक्सीजन नहीं पहुंची। और ऑक्सीजन ऑडिट पैनल बता रहा है कि 4 गुना ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर है। वे ऑक्सीजन कहां जा रही थी, उसकी कालाबाजारी किसके द्वारा हो रही थी, ये खान चाचा क्या कर रहे थे, उनके विधायक कालाबाजारी में मशगूल थे और दिल्ली के लोग मर रहे थे, सड़कों पर मर रहे थे, हॉस्पिटलों के बाहर मर रहे थे। आज जो ये खुलासा हुआ है दिल्ली सरकार का और दिल्ली के मुख्यमंत्री का, आपराधिक चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने आया है।